Now, we will see how this equality is focused in early childhood. Uh, first, we see the difference between boys and girls, and it is that difference between physical and mental growth rate, nature differences, differences in study habits and other physical working, but both have the ability to bear difficulties and face them bravely, as we have been discussing previously, bache or bachiyan. फ़िज़िकली साइकोलॉजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनके बढ़ने का जो जो उनकी रफ़्तार है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है उनकी दिलचस्पियाँ भी मुख्तलिफ हो सकती हैं उनके जो अटेंशन स्पैनस हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और उनकी इंटरेस्ट uh, जैसे मैंने अर्ज़ किया वो भी मुख्तलिफ हो सकते खेल भी मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई कुछ करने केबिल नहीं हैं वो सब सब कुछ करने के हैं अगर उनको मौका भी दिया जाए और उनकी मदद भी की जाए तो ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि दोनों जो है वो मुश्किल का हल कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं और दोनों जो है वो करेज रख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी देखिए पहली बात तो ये है कि बहसीत या बहसी वाले हमें रिफ्लेक्ट करना है हाउ वी आर डीलिंग विद आर चिल्ड्रन हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है देखिए जहाँ जहाँ जो जो प्रोटेक्शन हमारे बच्चों को चाहिए वो हमें उनको देनी है बच्चियों को किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए बच्चों को किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए उनको कौन से अदब आदाब हमने सिखाने हैं कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर पैदा करनी है कैसे उनके डिफरेंसेस को मिटिगेट करना है ये सारा रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है बहसीत एडल्ट एक बालक की सूरत में हमें इस, इन चीजों के ऊपर सोचेंगे अब देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है ये बुनियादी तौर पर तीन सवाल हैं पहला सवाल ये कि हम क्या कर रहे हैं या क्या हुआ है दूसरा सवाल ये कि जो हम कर रहे हैं इसकी क्या वजह है पर्पस क्या था क्यों किया हमने और आखिरी ये कि जो कुछ हो रहा है इसके नतज से क्या हासिल हुआ क्या सीखा हमने क्या पाया हमने यानी हमेशा कहीं भी आप रिफ्लेक्शन का जिक्र करेंगे तो ये तीन बातें सामने आएंगी अब हम ये बता रहे हैं कि ये क्यों ये मूवमेंट जो है वो सामने आई तो फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द एंड टू गेन इक्वालिटी फॉर वमेन जैसे मैंने अर्ज किया कि जो बीसवीं सदी थी उसमें देखिए वो कहते हैं ना एक चीज जब अपनी इंतहा को जाती है तो फिर ही उसके खिलाफ मूवमेंट निकलती है एक वक्त आया था जो हम मैं ये कहूंगी कि दुनिया का कोई मुल्क उस वक़्त ऐसा नहीं था जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर बहुत से मजालम ना हो रहे हों तो अब वो जिनको आज हम डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वो भी इसका शिकार थे गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था ख़ास तौर पर औरतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती थी बच्चों के हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती थी तो ऐसी मूवमेंट आई कि भाई जितने भी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं ख़ास पे आपने वर्ल्ड वार में देखा होगा कि किस तरह से लोगों के हक़ को वायोलेट किया गया तो वह बाद में ऐसी तहरीक सामने आई कैंपेन सामने आई कि भाई लोगों को उनके हकूक दिलाए जाए खास तौर पर खुत को अ फेयर एंड एंड इवन हैंडेड अप्रोच टू शो इक्वल लेवल्स ऑफ केयर अदर और लोगों ने ये कहा कि भाई ख्वाब किसी भी इलाके से कोई इंसान ताल्लुक रखता हो किसी जेंडर से कोई ताल्लुक रखता हो वो छोटा हो वो बड़ा हो औरत हो मर्द हो सबको बराबर के हकूक मिलने हैं सबको जिंदगी चाहिए सबको सेफ्टी चाहिए और बुनियादी जरूरियात खाना पीना सोना और घर ये सबकी जरूरत है और सबको मिलना चाहिए और आपको पता है जंगों का ज्यादा जो मकसद होता है वो यही होता है कि दूसरों के हकूक को वायोलेट किया जाए या पामाल किया जाए सो जेंडर इक्वलिटी इन प्रैक्टिस ये सेंचुरी में ही जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात हुई द बेसिक एम इज दैट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फील पॉजिटिव अबाउट देयर आइडेंटिटीज एंड बोथ हैव इक्वल राइट्स ठीक है हम यहाँ पर किसी को कमतर करने की बात नहीं कर रहे पर हम ये कह रहे हैं कि हर शख़्स का ख्वा वो ख़ातून हो ख्वा वो मर्द हो खो बच्चा हो ख्वा बच्ची हो सबका हक है कि उनको उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मिलें और ये कि उनको बराबर की इज़्ज़त मिले एहतराम मिले और कोई किसी को अपना बिला वजह गुलाम न बनाए ठीक है ये बहुत ऐसा हुआ था कि बहुत से जो कंट्रीज थे उसमें जब वो जंग लड़ी जाती है तो फिर आपको पता है बहुत से हकूक़ को वायलेट किया जाता है लोगों की पकड़ धकड़ होती है और उनको Uh, मुख्तलफ uh, सूलतों से परेशानियों से गुजारा जाता है तो उस वक्त दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस का और इन सारे लोगों इनके इदारों का जो है वो uh, तयन हुआ और उन्होंने ये कैम्पेंस की कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो बराबर के हकूक़ रखते हैं हाँ किसी मुल्क से हैं किसी नस्ल से हैं किसी जेंडर से हैं उन सब को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए तो अब जो चीज़ें आ रही हैं वो अब इस uh, सारी कैम्पेन को ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में अर्ली चाइल्डहुड के साथ खास तौर पर नथी किया गया है एसोसिएट किया गया है कि चूंकि हम ये समझते हैं कि एडल्ट्स के जो रवैये या एटीट्यूड्स हैं उनको नहीं बदला जा सकता उनको सुधारा नहीं जा सकता बल्कि बच्चों की तरबियत करके एक सेहतमंद और इक्वल अदल का मुआरा जो है वो तश्कील पा सकता है इसलिए बच्चों की तरबियत के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है